Good morning, students. Today we are teach chapter 6, understanding the fraction. देखो fraction क्या होता है, जब single number लिखा होता है तो उसको digit या number कहते हैं, जब उसके अपोन में कुछ लिख दिया जाता है तो वो fraction बन जाता है, है ना। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, numerator, नीचे वाले को क्या कहते हैं, denominator। इसका question one करेंगे, put sign करना है हमें fraction में। single तो आपको पता है, जैसे 5 है, 6 है, तो ऐसे कर देते हैं। अब fraction में कैसे करेंगे, देखो fraction में 3 rules बताती हूँ मैं आपको। जब डेनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला बिग बिग होता है, तो इधर वाले की तरफ साइन लगा देंगे। इक्वल का आपको पता ही है। जब न्यूमिनेटर सेम होता है तो डेनोमिनेटर जो स्मॉल होता है ना, वो बिग होता है। अब यहाँ पे ये स्मॉल है, मतलब ये बिग है। ऊपर वाला सेम है, जब नीचे वाला स्मॉल होता है ना, वो बिग माना जाता है। तो ये 1/2 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब दोनों ही सेम नहीं है तो हमें सेम करने हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बन गया। अब देखो जी, इधर 3 से किया तो इसको ऊपर वाले को भी 3 से करेंगे, ये रूल है हमारा। तो हम ऊपर वाले को भी 3 से कर देंगे, 3/12। इधर 4 से किए, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। अब देखो बिग कौन सा आ गया, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला बिग बिग होता है, तो इसकी तरफ साइन और यहाँ भी इसकी तरफ साइन। क्वेश्चन सेकंड, राइट द फ्लोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन किसका बनाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बनाते हैं, जब ऊपर बिग होती है नीचे स्मॉल होती है। तो हम इसका अब मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्योंकि 7 बड़ा है और स्मॉल 5 स्मॉल है। अब 5 को बाहर रखेंगे, 7 को अंदर, 5 बन जा 5, 2 बच गया रिमाइंडर। अब इसका फ्रैक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज बनाएंगे, 1 को यहीं रख देंगे, 2 नीचे है तो ऊपर में, और 5 इसके स्मॉल। थर्ड क्वेश्चन, राइट फ्लोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स, इन वर्ड में बनाना है हमें। देखो 3/4 लिखा है तो 3 की स्पेलिंग लिखेंगे लाइन की जगह बाय की, और यहाँ पे 4 की। अब देखो होल नंबर 1, 2, 5 दिया है तो 1 लिख के एंड कर देंगे, फिर 2 और बाय 5। लाइन प्रेजेंट करनी है, ये देखो 4 और 1.5 है तो 4, 5 के सेंटर में लगा देंगे, तो 3, 3, 4 है। तो देखो 3, फिर हमें 3 को मिला के 3 स्मॉल लाइन्स बनानी है अंदर, 3 और 4 के सेंटर में। अब देखो 3, मैंने 3 राइट कर दिया, अब इसको तो हमने छोड़ दिया, 3 यहाँ राइट करेंगे, टोटल कितनी है ये 4 है। ओके, अब इसका क्वेश्चन हमारा है बुक में 5, सी द नंबर लाइन एंड फिल बैलून, हमें बैलून फिल करना है। देखो ये 1 है, मैंने 1 राइट कर दिया। अब सारे काउंट करो 1 से यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, ये नीचे राइट करना है। ओके, अब इसको छोड़ दो, तो कहाँ पे है ये लाइन, स्मॉल लाइंस काउंट करो, 1, 2, 3, तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ, ये वाला 50, 51, 52, 51 का 51 यहाँ आया। अब लाइंस, टोटल लाइंस देखो, 1, 2, 3, 4, 5, जब टोटल्स लाइंस देखनी है ना तो हमें 51 वाली काउंट करनी है, तो ये 5 है। अब देखो 51 वाले को छोड़ दो क्योंकि हमने यहाँ राइट कर दिया, ऊपर वाला राइट करना है, तो 1, 2, 3, 3। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, थैंक यू।